हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है, अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दाव खेलता है, कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दाव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाए, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहां है और फिर से वही पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं मूर्खता कहते हैं, स्वयं पर अपराध करना होता है। ऐसा अपराध जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पाँव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है। बधाई हो अंगराज, तुम्हारे मित्र के जीवन से उसका सबसे बड़ा कांटा दूर जा रहा है। और यदि मेरी दृष्टि से देखें तो एक महायुद्ध हस्तिनापुर के समीप आ रहा है। ना, कोई युद्ध मेरे दुर्योधन के निकट नहीं आ सकता अंगराज। 12 वर्ष के वनवास के पश्चात उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को हम ढूंढ लेंगे और फिर से उन्हें 12 वर्ष के वनवास पर जाना होगा। और ये चक्र सदैव चलता रहेगा अंगराज। और पांडवों का वनवास उनकी मृत्यु से पूर्व समाप्त नहीं होगा। और यदि समाप्त हो गया तो द्यूत नहीं युद्ध होगा, जहां आपके पास भी काम नहीं आएंगे गंधार राज। पासे काम आए। या ना आए, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज मेरा मित्र मेरे काम आया। आज जिस तरह से जो कुछ भी तुमने किया, जो तुमने मेरा साथ दिया, जो उन पांडवों को उत्तर दिया, मैं बहुत अभिभूत हुआ। मित्र, आज का दिन बहुत लंबा था युवराज, विश्राम करने के लिए आज्ञा दीजिए। मित्र,
श्री ये युद्ध तो मैं जीत गया, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना मित्र हार बैठा? नहीं दुर्योधन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये मित्र अंगराज कर्ण तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता ना? अब तुम चलो, कल की तैयारियां करो, हमें कल इंद्रप्रस्थ जाना है ना दुर्योधन? ये भूमि पर जलने के चिन्ह कैसे? ये पांचाली के चरणों के चिन्ह, उसके मन की अग्नि उसके तन को जला रही है। पांचाली को तो ये भी ज्ञात नहीं कि हम 12 वर्ष का वनवास लेकर आए हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा पांचाली, परंतु इस समय अन्याय के तुला के एक और पलड़े से मिलना शेष है। आओ महान वीरों, प्रणिपात स्वीकार करो, फहरा आए अपने धर्म की ध्वजा धर्मराज, दिखा दिया अपने गदा का बल विकोदर, अपने बाणों की पैनेपन की सीमा देख आए अर्जुन। हमें क्षमा कर दीजिए केशव, जो कुछ किया धर्म से विवश होकर किया। कदाचित दुर्योधन का भी यही कहना होगा कि उसने जो कुछ भी किया धर्म के तले किया, परंतु धर्म क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्या यह सब जानने का प्रयास आप सब में से किसी ने किया? धर्म वो रथ है जिस पर चढ़कर संसार में व्यवस्था का राज्य किया जाता है। धर्म वो बाण नहीं जिसे हाथ में लेकर अधर्म को तांडव करने दिया जाए। अंधकार में रोशनी देने वाली मशाल यदि हाथ को जला दे तो उसे भी बुझा दिया जाता है। धर्म जब सीमा पार करके अधर्म का कारण बन जाए तो क्या उसे छोड़ देना उचित नहीं धर्मराज? युद्ध के लिए बुलाए जाने पर ना जाने क्षत्रियों का धर्म नहीं अच्छा है, परंतु क्या अपनी प्रजा के अस्तित्व को उनसे बिना पूछे दाव पर लगा देना क्या धर्म है? एक अग्रज का धर्म होता है कि वो अपने अनुजों का मार्गदर्शन करे, उन्हें दासत्व के मार्ग पर भेज देना क्या धर्म है? जिस पत्नी की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसे चौसर की बिसात पर बिछा देना क्या धर्म है धर्मराज? हम क्षमा चाहते हैं वासुदेव। मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं पांचाली का है। पूछो उससे, क्या उसका टूटा हुआ विश्वास तुम सबको क्षमा करेगा? क्या उसके खुले हुए केस तुम्हें क्षमा करेंगे? क्या इतिहास तुम सबको क्षमा करेगा?
क्षमा तो हम स्वयं को भी नहीं कर सकते केशव, बस एक अफसर चाहिए। अब आप क्रोध में आकर हमारा साथ में छोड़ जाइए। स्मरण रखना धर्मराज, मैं किसी के साथ नहीं, मैं इस समय केवल विरुद्ध हूं, हर उसके विरुद्ध जिसने पाप किया या मौन रहकर पाप सहा। यदि मैं किसी के साथ हूं तो केवल स्त्री के मान के साथ, मैं केवल द्रौपदी के साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव, हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमें क्षमा मत करना पांचाली, क्योंकि कहीं हमें एक क्षमा भुला ना दे कि हमें तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें हमारे अपराध का दंड नियति ने दे दिया पांचाली। हमने हमारी गृहलक्ष्मी का अपमान सहा और नियति ने हमें राजलक्ष्मी से वंचित करके वनवास दिलवा दिया। बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास। कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, कोई अंतर नहीं। अपना सम्मान भंग हो जाने के पश्चात मेरे लिए ये राज्य, ये महल, ये सुविधाएं कोई मोल नहीं रखती। अच्छा ही है, कम से कम ये वनवास और अज्ञातवास आप सभी को अपना लक्ष्य स्मरण करवाता रहेगा। मित्र, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? मित्र, इस सुरक्षा चौकी की जांच कर रहा हूं। युवराज, वर्षों से हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का किसी ने साहस नहीं किया, परंतु अब आभास हो रहा है कि आक्रमण शीघ्र ही होने वाला है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो मित्र। 13 वर्ष, 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, और उन पांडवों का तो वनवास कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु फिर भी तुम्हें यह करना ही था तो किसी सेवक को बुला लेते, उससे करवा लेते। एक सेवक ही यह कार्य कर रहा है युवराज। ऐसा मत कहो मित्र, यह आनंद का समय है। इंद्रप्रस्थ जीत लिया है मैंने, मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलकर मेरे आनंद में भागीदार बनो। जो पाप में भागीदार बन जाए वो केवल यंत्रणा में भागीदार बन सकता है, आनंद में नहीं। युवराज, तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र कहो मुझे। भरी सभा में अपने मित्र और उसकी मित्रता को लज्जित किया आपने। आपकी मित्रता उसी समय समाप्त हो गई जब आपने अपने मित्र के शस्त्र अपनी सेवा में ले लिए। आपके मित्र के बार बार कहने के पश्चात भी आपने एक स्त्री को लज्जित किया, उसे अपमानित किया। अब जो आपके सामने खड़ा है वो केवल आपका सेवक है,
मेरा जीवन और मेरे शस्त्र सदा आपकी सेवा में रहेंगे। आदेश दीजिए युवराज कि आगे आपके इस दास को क्या करना है। बस कर, बस करो। मेरे जीवन में तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करना मेरा धर्म है युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर, एक दास बनकर, आप मित्र समझकर मैं आपको कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलूं, तो मैं अवश्य चलूंगा युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर चलूंगा। अपने दास को आज्ञा दीजिए युवराज। बड़ी बात, दुशासन, ये वही स्थल है। हाँ, मैं गिरा यही। मेरे अपमान का ठास उड़ाया गया था। इस स्थान को तुड़वाकर इसे समतल बना दो। इस माया महल के हर एक भ्रम को भंग कर दो और यहां यहां बोध चिन्ह स्थापित करो जो संसार को यह बताता रहे किस प्रकार दुर्योधन ने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया था। राता युधिष्ठिर, अरे मेरे पांडव भाई जा रहे हैं, परंतु जब भाई दूर जा रहा हो तो दूसरा भाई उसे भेंट दे, ये रीति है ना मामाश्री? हाँ हाँ, तो इन भाइयों के लिए इस भाई की ओर से एक छोटी सी भेंट। अनावृत करने की अनुमति चाहूंगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.